ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وراشدنا ومرشدنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كل نفس ذائقة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. प्यारे दोस्तों, हम्द व सलात के बाद अर्ज ये है कि हमारा यहाँ पर जमा होना एक खास मकसद के लिए है। हमारा जो यहाँ पर जमा होने का असल मकसद ये है कि आबिद साहब के वालिद मोहतरम मरहूम मकबूल की रूह के इस आले सवाब के लिए अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, और इसके साथ साथ दूसरा जो अहम तरीन मकसद है वो ये कि हम अपनी कब्र और आखरत को बेहतर बनाने के लिए कुछ सोच अपने अंदर पैदा करें। ये हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद है। अजीज दोस्तों, ये बात हर अकलमंद आदमी जानता है कि दुनिया के अंदर यकीनी चीज सिर्फ एक है और वो है मौत। बाकी कोई और चीज ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम यकीन से कह सकें कि ये काम होगा। हमारी जिंदगी की जो ख्वाहिशात हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है जो हमने बनाई हुई है। मिसाल के तौर पर कारोबार करना है, दुकान बनानी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादियां करनी है, उनके घर बनाने हैं, उन ये करना है, फुलां करना है, फुलां करना है। हर एक ने एक लंबी फहरिस्त अपने दिल में सोचकर रखी हुई है। लेकिन ये सारी चीजें वो हैं जिनके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये काम होंगे या नहीं होंगे। इनके लिए जो काम होना भी मुमकिन है और ना होना भी मुमकिन है, हमारी पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी है, पूरी दौड़ धूप है और पूरी तवज्जो इन्हीं चीजों के लिए। और जिस चीज का कतई कन्फर्म है, सबको पक्का पता है कि मौत आकर रहेगी और इससे ना कोई अमीर बचेगा, ना कोई गरीब बचेगा, ना कोई फकीर बचेगा, ना कोई बादशाह बचेगा। मौत ने आना है
तो अकलमंद आदमी वही है जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो टाइम दिया हुआ है, इस टाइम को जाया ना करें और इस टाइम को अपनी आने वाली जिंदगी जो मौत के बाद वाली जिंदगी है उस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करे, वही अकलमंद है। बाकी अगर हमने इस दुनिया की जिंदगी को ऐसे ही गुजार दिया तो हमारा हाल उस तालिबे इल्म की तरह होगा जो इम्तिहान के टाइम पर्चा लेकर बैठा रहे, कोई सवाल उसमें ना हल करे और सारा वक्त यूं ही गुजार दे। तो जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता है उसका क्या रिजल्ट आएगा। पास वही होगा जिसने इम्तिहान के टाइम को जाया नहीं किया, एक एक मिनट की कदर की होगी और एक एक मिनट को अपने नतीजे को बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल किया होगा। इम्तिहान वाले का जब मुकम्मल हो जाएगा इम्तिहान, तो रिजल्ट वाले दिन उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा होगा, उसके घर वाले भी खुश होंगे, वो तालिब इल्म दूसरों को बताता फिरेगा कि देखे मेरा रिजल्ट, आज मैं अव्वल आया हूं। और वो दूसरा बदनसीब जिसने सारा वक्त यूं ही जाया कर दिया, कोई मेहनत ना की थी, अब जब इम्तिहान में उसका रिजल्ट आएगा तो वो लोगों से छुपता फिरेगा कि कहीं कोई मुझसे पूछ ना ले, अपना रिजल्ट शीट जो है लोगों से छुपाएगा, बाप से छुपाएगा, मां से छुपाएगा, रिश्तेदारों से छुपाएगा, भाइयों बहनों से छुपाएगा, दोस्तों से छुपाएगा। क्यों? क्योंकि आज ना दिखाने को कुछ है ना बताने को कुछ है। तो प्यारे दोस्तों, ये दुनिया की जिंदगी ये समझ लें कि इम्तिहान का टाइम है, ये पर्चा हल करने का टाइम है और कयामत का दिन नतीजा आने का दिन है। उस दिन जो कुछ हमने इस दुनिया की जिंदगी के अंदर किस तरह से जिंदगी को गुजारा उसका नतीजा कयामत के दिन हमारे हाथ में पकड़ा दिया जाए, और जिसकी कुछ नसीबी होगी जिसको कयामत के दिन कामयाबी का नतीजा सुनाया जाएगा, तो कुरान कहता है कि वो शख्स अपने नामा आमाल को खुशी से हाथ में लेकर लोगों को पुकारेगा कि आओ देखो ये है मेरा नामा आमाल, ये देखो मुझे कामयाबी का सर्टिफिकेट अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला, आओ देखो इसको मेरे रब ने मुझ पे कितना फजल किया, मेरे रब ने मेरी किसी मेहनत को जाया नहीं किया, मेरी किसी नेकी का बदला अल्लाह तबारक व तआला ने मारा नहीं है, हर नेकी का बदला अल्लाह तआला ने मेरी सोच से बढ़कर मुझे दिया। और वो बदनसीब जिसने इस दुनिया की पूरी जिंदगी को यूं ही ऐशो इशरत में, फजूल वक्त में, फजूल कामों में, दोस्तों के साथ गपशप के अंदर, बेहुदा बातों के अंदर, बुरे कामों के अंदर, हराम रोजी कमाने के अंदर, गाली गलौज के अंदर या वो कोई के अंदर बर्बाद कर दिया, तो वो क्या, उसको जब कयामत के दिन नामा आमाल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया जाएगा वो क्या कहेगा? तो कुरान कहता है वो शख्स, वो बदनसीब जिसने दुनिया के इस मिले हुए इम्तिहान के वक्त को जाया किया और अपने नतीजे को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना किया, तो कयामत के दिन वो अपने नामा आमाल को जब देखेगा तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाएगा और वो उस दिन कहेगा कि हाय काश ये नामा आमाल मुझको कभी दिया ही ना जाता, हाय काश कभी नतीजे का दिन होता ही ना, हाय काश मैं मरकर मिट्टी में मिट्टी हो जाता और दोबारा मुझे पैदा ना किया जाता। कुरान कहता ना वा यकूलुल काफिरु या लैतनी कुंतु तुराबा, कि उस दिन बदनसीब इनकार करने वाले कहेंगे कि ऐ काश ये आज का दिन ना देखना पड़ता और हम मिट्टी में मिल जाते, खत्म हो जाते और दोबारा से अल्लाह ताला के सामने हमें ना पेश किया जाता। तो प्यारे दोस्तों, अकलमंद वही है जो इम्तिहान के टाइम को जाया ना करे, नतीजा उसी का अच्छा आएगा, पास इम्तिहान में वही होगा जिसने इम्तिहान की तैयारी की होगी। ये दुनिया ये इम्तिहान की जगह है, ये खेतीबाड़ी का इलाका है, आप सब लोग खेतीबाड़ी के बारे में जानते हैं और आप सब ने एक बात सुनी होगी बचपन से
कि दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है। और आप सब जानते हैं कि खेती की फसल का फल तो वही खाएगा ना जिसने खेती की होगी, जिसने जमीन को तैयार किया होगा, जिसने हल चलाए होंगे, जिसने अपना आराम सुकून कुर्बान करके रातों को उठकर पानी लगाया होगा, जड़ी बूटियां निकाली होंगी, स्प्रे किया होगा, अपनी जान मारी होगी, अपनी गर्मी सर्दी को कुर्बान किया होगा, अपने पैसे को लगाया होगा, सब कुछ किया होगा, अच्छा बीज डाला होगा, तब जाके वो उम्मीद रखेगा ना कि मेरी फसल अच्छी होगी, तब उसको अच्छे फल की उम्मीद है ना। तो अगर दूसरा शख्स ऐसा हो जिसने ना तो जमीन में हल चलाया हो, ना अच्छा बीज डाला हो, ना वक्त पर खाद दी हो, ना वक्त पर पानी डाला हो, ना वक्त पर सफरे किया हो, ना वक्त पर उसकी और देखभाल की हो, जानवरों से उसको ना बचाया हो, सिर्फ पड़ा सोता रहा हो, तो फसल कटने के टाइम वो किस चीज की उम्मीद रखेगा? वो तो सिर्फ रुसवाई और शर्मिंदगी की उम्मीद रखेगा, वो तो सिर्फ नुकसान की उम्मीद रखेगा। तो दुनिया आखिरत की खेती है, तो आखिरत का अगर फल खाना चाहते हैं, आखिरत के दिन अगर मीठा फल खाना है, तो ये खेती का जो टाइम है, इस खेती के टाइम को बर्बाद नहीं करना है। अपनी जिंदगी में ये जो अल्लाह ताला ने हमको मेहनत करने का, अपने नेकियों की खेती तैयार करने का टाइम दिया है, तो इस खेती में मेहनत करनी है, जान मारनी है, टाइम लगाना है, पैसा खर्च करना है, अपनी तवज्जो रखनी है, अपनी जिंदगी का मकसद इस खेती को बनाना है, तो कयामत के दिन आपकी फसल अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होगी और अल्लाह ताला की रहमत की फसल काटेंगे फिर उस दिन। लेकिन अगर हमने ये खेती ना की, तो बगैर खेती के जो ये उम्मीद रखे कि मैं कुछ ना पानी डालूंगा, ना बीज डालूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, हाँ जब सब लोग फसल काटेंगे तो मैं भी बोरियां भर लूंगा, तो सब कहेंगे कि ये तो बेवकूफ है, ये तो अहमक है, ये ऐसी चीज की उम्मीद लगाए बैठा है जिसके लिए इसने कुछ नहीं किया। तो अकलमंदी का तकाजा ये है इस बात को समझने के लिए, क्या कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जहीन होने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल आदमी जो पागल नहीं हुआ, जिसमें थोड़ी बहुत अकल मौजूद है, जो बिल्कुल चाहे अनपढ़ हो, इतनी बात वो भी समझता है कि जब तक हम अच्छा बीज नहीं डालेंगे, अच्छी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक अच्छी फसल नसीब नहीं होती। तो बिल्कुल यूं ही इस दुनिया की जिंदगी में जब तक हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे, अपनी जान माल से अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने रोजमर्रा के कामों को हम अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारेंगे, तब तक हम अल्लाह ताला की रहमत की फसल में हिस्सादार नहीं बन सकते। तो प्यारे दोस्तों, ये जिंदगी बहुत थोड़ी है। आप देखें, हम मुख्तलिफ एज के लोग यहां बैठे हुए हैं। मेरी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब है, आप में से कोई 50 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा। ये पिछली जिंदगी को अगर हम देखें, तो आप में से हर एक को यूं लगेगा कि कल ही की तो बात है जब मैं स्कूल में जाना शुरू हुआ था। जो 60 साल का है उसको भी यूं ही लगेगा कि कल ही की बात है कि मैंने होश संभाला था। मैं 40 साल का हूं, मुझे भी यूं ही लगता है कि कल ही की बात है जब मैंने पहले दिन स्कूल में जाना शुरू किया था। आज उस चीज को 33 साल हो चुके हैं, आपको भी यूं ही लगता होगा कि कल ही की बात है जब मैंने शादी की थी, आज बच्चों की शादियां कर रहे। तो ये पिछले 30 40 50 60 साल जब यूं गुजर गए कि पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गए, तो आने वाले जो अगर 2, 4, 5 साल 7, 10, 20 साल बाकी हैं, तो वो कैसे गुजरेंगे? वो भी यूं ही गुजर जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, और मौत का फरिश्ता हमारे सर पर खड़ा होगा। कुरान ने कहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जिंदा ने मरना है। बात यहां पर पूरी नहीं हुई कुरान की, अगले जुमले में कुरान ने फिर अच्छी मौत का तरीका बताया। तो मरना तो सभी ने, कामयाब कौन होगा? कुरान कहता, मन ज़ुज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फकत फाज़। मरना तो सबने है, मरने के बाद
जो बंदा अपने आप को दोजक में दाखिल होने से बचाने में कामयाब हो गया और जन्नत के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया, अल्लाह ताला की नजर में वही कामयाब है। हमने अपने अपने पैरामीटर बनाए हुए हैं, अपने पैमाने हैं हमारे। हम में से कोई समझता है कि यार मैं घर बना लू ना अच्छा लेंटर डाल के तो बस मैं मेरी जिंदगी सेट हो गई, मैं कामयाब हो गया। कोई कहता है मैं शहर में दुकानें बना लू तो समझो मैं कामयाब हो गया। कोई कहता है यार बच्चों की शादियां कर लू तो कामयाब हो गया। कोई कहता है ये साथ वाली जमीन बिक रही है 4 एकड़ और ये भी अपनी जमीन में शामिल कर लू तो समझो कामयाब हो गया। कोई सोचता है कि यार ये बच्चों की नौकरियां लग जाए तो ये काम हो जाए तो समझो मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। तो प्यारे दोस्तों ये कामयाबी के जो पैमाने हैं ये मेरे और आपके बनाए हुए हैं, अल्लाह ताला की नजर में कामयाबी का पैमाना ये नहीं। अल्लाह ताला की नजर में कामयाबी का पैमाना क्या है वो अल्लाह ताला ने बता दिया, क्या अपने आप को दोजख से बचाने में जो कामयाब हो जाए और जो अपने आप को जन्नत के अंदर दाखिल करने में कामयाब हो जाए, अल्लाह ताला फरमाता फकद फाजा, कामयाब सिर्फ वही है। तो प्यारे दोस्तों जन्नत में जाने का तरीका क्या और दोजख से खुद को बचाने का तरीका क्या, ये बात हम सब की जिंदगी में सबसे अहम है। बाकी कोई चीज इतनी अहम नहीं है। सबसे अहम चीज क्या कि हमको ये पता चले कि जन्नत में जाने का तरीका क्या है और दोजख से खुद को बचाने का तरीका क्या है। दोजख से खुद को बचाने का और जन्नत में जाने का तरीका बहुत मुश्किल समझा जाता है लेकिन मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है। दोस्तों को अगर ये कहा जाए ना कि भाई देखें दीन पर अमल करें तो लोग ये आम तौर पर इस तरह का की बात सामने आती है कि देखें जी हमने तो बच्चे पालने हैं, कारोबार करना है, दुकानदारी करनी है, रिश्तेदारियां हैं, घर बार को देखना है, कैसे हमारे पास तो टाइम नहीं है दीन पर अमल करने के लिए। प्यारे दोस्तों एक गलत इस गलत फहमी को आप अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दें कि दीन पर अमल करने के लिए आपको कोई घर बार छोड़ना पड़ेगा या खेती बाड़ी बंद करना पड़ेगी या दुकानें बंद करना पड़ेगी या घर को जनाबे वाला बिल्कुल कच्चा ईंटों का बनाना पड़ेगा। दीन इस्लाम ऐसी चीजों को से आपको मना नहीं करता। दीन क्या है ये बात जब हमने समझ ली तो हमें पता चलेगा कि दीन पे अमल करने के लिए हमको ना तो घर से जाने की जरूरत है, ना जंगल में जाने की जरूरत है, ना खाना पीना छोड़ने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बल्कि क्या करने की जरूरत है कि ये जो दुनिया की जिंदगी हम गुजार रहे हैं इस दुनिया की जिंदगी को गुजारना है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना यह जन्नत में जाने का रास्ता है। आप कारोबार करें बिल्कुल करें, खेती बाड़ी करें, लेकिन कैसे करें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, उसमें हराम को शामिल ना करें। आप बच्चों को रोजी खिलाएं कमाएं, अल्लाह ताला को इससे कोई मसला नहीं है, आपकी तरक्की से अल्लाह को कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सिंपल सा बता दिया कि माल के बारे में दो बातें पूछी जाएंगी कयामत के दिन, एक कि माल कमाया कैसे था, चोरी करके कमाया था, हराम खाकर कमाया था, नशा बेचकर कमाया था, सूद खाकर कमाया था, कैसे कमाया था, और दूसरा खर्च कहां किया था, खर्च किस चीज में किया, क्या फजूलियात में खर्च कर दिया, क्या रिश्तेदारों के अंदर शरीके को दिखाने के लिए खर्च कर दिया सिर्फ, या गरीब लोगों की अल्लाह के बंदों की देखभाल के अंदर खर्च किया, किस चीज में खर्च किया। प्यारे दोस्तों एक हदीसे बात है और बंदे को हिला देने के लिए काफी है। कयामत के दिन बंदा अल्लाह ताला के सामने पेश होगा तो अल्लाह ताला उस बंदे को कहेगा कि ऐ मेरे बंदे मैं बीमार था, तू मेरा हालचाल पूछने नहीं आया। वो बंदा कहेगा कि ऐ अल्लाह ऐ मालिक मुल्क तू तो सुबहान सुबहान कुद्दुस है, तू कैसे बीमार हो सकता है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरा बंदा बीमार था, तेरा पड़ोसी था, तेरा रिश्तेदार था, तू मेरा नबी ने तुमको बताया था ना कि मेरे बंदे बीमार हो जाएं, हमजाए बीमार हो जाएं, तो उनकी देखभाल करनी है, उनकी खबरगिरी करनी है, उनकी दिलजोई करनी है, तो तू नहीं गया उसके पास।
फिर दूसरे से अल्लाह ताला कहेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, मैंने तुझसे आकर खाना मांगा, तूने खाना नहीं दिया, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा कहेगा ऐ अल्लाह, तू तो खाने पीने से पाक है, तेरी शान तो बुलंद है इस चीज से कि तू भूखा हो, तू कैसे भूखा हो सकता है। तो अल्लाह ताला कहेगा कि मेरा बंदा भूखा था जो तेरे पड़ोस में रहता था, तेरा दोस्तों में से था, तेरे रिश्तेदारों में से था, तू खुद खाता रहा, तुम्हारे कुत्ते भी मिठाइयां खाते रहे, और वो मेरा बंदा भूखा रहता रहा, उसके बच्चे भूख से बिलखते रहे, और तुमने तो जनाबे वाला लाइटिंग के ऊपर ही बेटे की शादी में दोस्तों एमएनए एमपीए को दिखाने के लिए 10 डिशें बना दी, और वो मेरा बंदा भूखा प्यासा मरता रहा। वो तेरे पास आया था तो उसने कोई कर्जा मांगा था तुमसे, उसने मेरा नाम लेकर ही मांगा था ना तुमसे कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मेरी कुछ मदद कर दो, तो तुमने उसको इनकार नहीं किया, तुमने मुझे इनकार किया। तो प्यारे दोस्तों, हमारा कयामत के दिन हम क्या सामना करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे, और कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ जंगलों में निकलने की जरूरत नहीं। आप करें अपनी दुकानदारी, करें खेती बाड़ी, कमाएं पैसे, हलाल कमाएं, हलाल खाएं, हलाल जगहों पर खर्च करें, और अपनी आखिरत की तैयारी में उसको लगाएं। मौत का जिक्र डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, मौत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमको ये तंबीह हो जाए, ये याद रह जाए कि मरने की हमने तैयारी करनी है। जो मरने की तैयारी करता है, अपनी कैसे तैयारी करेगा? अपनी जिंदगी में हर वक्त अल्लाह को याद रखेगा। वो कोई फसल आ गई तो अब सटाक नहीं करेगा कि मार्केट में महंगी हो जाए, लोग भूखे मरते रहे, आटे के लिए लाइनें लगी रहे, चौधरी साहब के गोदाम में हजार मन गंदम स्टॉक की हुई है कि जब महंगी हो जाएगी तब बेचेंगे। अल्लाह को याद करेगा हर चीज में। अल्लाह ताला ने सादा सा एक उसूल बताया, आप सबने सुना हुआ है, क्या? कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम मुझको याद रखो तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब हमने अल्लाह को कितना याद रखा हुआ है? हमने हर चीज को याद रखा हुआ है, नहीं याद रखा तो अल्लाह ताला को याद नहीं रखा। हम जनाबे वाला सुबह उठते हैं तो गुनाह करना शुरू होते हैं, और सो जाते हैं गुनाह करते करते सो जाते हैं। ना अल्लाह तबारक व ताला को हमने घर में याद रखा, ना अल्लाह ताला को हमने खेतों में याद रखा, ना अल्लाह ताला को हमने कारोबार करते हुए याद रखा, ना अल्लाह तबारक, और तो और हम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हो, वहां भी हम अल्लाह को याद नहीं कर रहे होते, दुनिया के 100 धंधे नमाज के अंदर हमारे दिलों में चल रहे होते। तो अल्लाह ताला को याद रखे, कोई भी अगर कभी झूठ बोलने का माहौल बने तो फौरन आपको ये याद आना चाहिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है। यहां तो मैं लोगों के बीच में झूठ बोल दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? कहीं हराम खाने का मौका मिल रहा हो, बहुत सारा पैसा मिल रहा हो, धोखे से, फ्रॉड से, झूठी कसम खा के लोगों को तो हम बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन दिल में यह ख्याल हो, अल्लाह की याद हो कि लोगों को तो मैं बेवकूफ बनाकर पैसा बहुत सा इकट्ठा कर दूंगा, कयामत के दिन मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? तो यूं ही हर हर जगह पर अब हम खुद भी झूठ बोल रहे होते हैं, बच्चों को भी झूठ सिखा रहे होते हैं, अपनी औलाद को झूठ सिखा रहे होते हैं। कोई आ गया जनाते वाला, उसको बेटे को बोल देंगे कि जाओ, वो जो आया उसको बोल दो कि अब्बा घर पे नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, उसको तो आपने बेवकूफ बना लिया जो बाहर आया था, क्या अल्लाह ताला को भी आपने धोखा दे दिया? अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह ताला को हमारे दिल के छुपे हुए इरादों का भी पता है। जो बातें हमने सबसे छुपा ली, अपने दोस्तों से छुपा ली, जो गंदे मंसूबे अपने बीवी बच्चों से भी छुपा लिए, जो बुराई की मंसूबा बंदी दिल में चल रही है सबसे छुपा ले, अल्लाह ताला से नहीं छुप सकता। अल्लाह ताला फरमाता है वइन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुखफूहू युहासिबकुम बिल्लाह, क्या कि जो तुम्हारे दिलों में तुमने मंसूबे बनाए हुए हैं
जो बुराई की मंसूबा बंदी सुबह शाम करते रहते हो, उसको छुपाओ या जाहिर कर दो, अल्लाह को सब पता है। अल्लाह ताला इस चीज का मोहताज नहीं है कि तुम बताओगे तो उसको पता चलेगा। वो अलीमुन बिजात सुदूर है, दिलों के हाल जानता है, तो उसे सब पता है तुम्हारे दिल में क्या है। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, युहासिबकुम बिल्लाह, अल्लाह इस पर तुम्हारा हिसाब लेगा। तो प्यारे दोस्तों, कुरान को यूं ना समझे कि ये मौलवी के पढ़ने की चीज है, हमारे कोई लेना देना नहीं है कुरान से। कुरान मेरे और आपके लिए आया है। कुरान को यूं सीखें जिस तरह आप ये समझें कि आपके महबूब दोस्त का खत आया है आपके पास। तो ये रब्बुल आलमीन का खत है जो मुझे आया है, जो आपको आया है, जो आपको, जो हम में से हर एक को आया है। और लेकर आने वाला कौन है? अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिंदगी गुजारने का जो तरीका है, सही तरीका, वो वही है जो कुरान करीम में, और वो वही है जिसका खुलासा मैंने बता दिया। क्या? कि तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। और आगे क्या फरमाया, वश्कुरूली वला तकफुरू, देखो मेरा शुक्र करते रहना, मेरी नाशुक्री ना करना। शुक्र क्या है? ये बात भी समझ लें, बस आखिरी बात, शुक्र क्या है? ये बात अगर हमने समझ ली आज के शुक्र क्या है, तो याद रखें दीन इस्लाम समझ ले पूरा हमने समझ लिया। शुक्र ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो नेमत भी दी है, क्या कुछ नेमतें दी अल्लाह ताला ने, अपने आप से शुरू हो जाए। सबसे बड़ी नेमत क्या, हमको इंसान बनाया, हमको मुसलमान बनाया, हमको अकल दी, हमको बोलने की ताकत दी, हमको देखने की ताकत दी, हमको सेहत अता फरमाई, हमें रिजक दिया, हमें घर दिया, हमें कारोबार दिया, हमें अपना नबी अता फरमाया, हमें कुरान करीम अता फरमाया। गिन सकते हैं अल्लाह की नेमतों को? अल्लाह ताला ने फरमाया, फइन तउतू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठ जाओ तो जिंदगियां गुजर जाएंगी, अल्लाह की नेमत को नहीं गिन सकोगे, इतनी नेमत है अल्लाह। तो शुक्र क्या है नेमत का? नेमत के शुक्र का कम से कम दर्जा, जिसको हम पूरा कर लें तो अल्लाह ताला उसको शुक्र मान लेगा, वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो नेमत अता फरमाई है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये है शुक्र का सबसे पहला और सबसे जरूरी दर्जा। आंख दी है, मां बाप की जियारत करें, हलाल रोजी कमाने में इस्तेमाल करें, मस्जिद में जाएं, कुरान पाक की तिलावत करें, खाना काबा की जियारत करें नसीब में हो तो ये आंख के हलाल इस्तेमाल। तो ये अगर आंख को हम इन चीजों में इस्तेमाल करते हैं तो ये आंख का शुक्र है। और अगर इस आंख को हम बदनिगाही करने में, ना महरम औरतों की तरफ बदनजरी करने में, गंदी फिल्में ड्रामे बेहूदा चीजें देखने में इस्तेमाल करते हैं, धोखे फरेब के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो ये आंख का शुक्र नहीं है, ये नाशुक्री है। मुंह से हम कहते रहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन अगर अल्लाह की नेमत अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल हम कर रहे तो फिर शुक्र नहीं है। हाथ अल्लाह ताला ने दिए, अच्छे काम करें, गरीबों की मदद करें, मोहताजों के काम आए, रोजी कमाए, हलाल तरीके से अपने बीवी बच्चों को खिलाए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें, इसलिए दिए। अब इनका शुक्र यही है कि ये इन्हीं नेक कामों में इस्तेमाल। और अगर इन्हीं हाथों को हमने जुल्म करने में, चोरी करने में, डाके मारने में, सूदखोरी में, लोगों को फरेब देने में, जखीरा अंदोजी करने में, लूटमार करने में, लोगों को तंग करने में, लोगों के ऐप उछालने में इस्तेमाल किया, और जुबान से चाहे कहते रहे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया, तो ये बदतरीन नाशुक्री है। तो अल्लाह ताला ने हमको जिंदगी की अजीम नेमत अता फरमाई, जिंदा है हम, तो ये जिंदगी क्यों दी? आखिरत की खेती को बेहतर करने के लिए, आखिरत में अल्लाह की रहमत का हिस्सा पाने के लिए। लेकिन अगर हम इस दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों में, बेहुदा कामों में, गाली गलौज के कामों में, बेहयाई के कामों में, हरामखोरी के कामों में, लोगों को तंग करने के लिए, लोगों को तकलीफ देने के लिए अपनी जिंदगी गुजार देंगे, लोगों से
ताल्लुका तोड़ने में पूरी जिंदगी लगे रहेंगे। उसकी सुनकर उसको लगा दी, उसकी सुनकर उसको लगा दी, लोगों के ताल्लुकात बिगाड़े, हरामखोरी की, झूठ बोला, गीबत की, चुगलखोरी की और अल्लाह ताला को नाराज कर दिया, तो फिर ये जिंदगी की नाशुक्री और फिर हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये अल्लाह ताला और बढ़ाएगा अगर हम इन नेमतों को बर्बाद नहीं करें और अगर हम इन नेमतों की नाशुक्री करते रहे, अल्लाह ताला को भूल जाए तो क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन आरादा अन ज़िक्री, आखिरी बात, वमन आरादा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन दंका, क्या कि जिसने मेरी याद से मुंह मोड़ा, किसी जगह मुझे याद ना रखा, झूठ बोलता रहा, हराम खाता रहा, लोगों को बुरा भला कहता रहा, लोगों की इज्जतें उछालता रहा, मेरी याद ही नहीं आई इसको कभी, तो क्या फरमाया फइन्ना लहू मईशतन दंका, उसकी जिंदगी तंगी वाली जिंदगी होगी, मैं उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा। आज हम में से हर आदमी की जिंदगी तंग है, कोई अमीर है, गरीब है, बादशाह है, फकीर है, चौधरी है, मुलाजिम है, हर आदमी रो रहा है, सबकी जिंदगी में तंगी है। वजह क्या कि हमने अल्लाह ताला की याद को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया, और ये तो दुनिया की जिंदगी है कि दुनिया की जिंदगी उसकी रोते हुए गुजरेगी, पैसा भी है, औलाद भी है, जमीने भी है, सब कुछ है, लेकिन जिंदगी में तकलीफें हैं, जिंदगी तंगी वाली है। या क्यों है? अल्लाह ताला की याद को जिंदगी से निकालने का बवाल, एक बवाल ये, और आखिरत में क्या होगा ये बात आखिरी बात और तवज्जो से सुनने की। फरमाया व नहशुरुहु यौमल कियामति आमा, प्यारे दोस्तों ये आखिर ये तकरीर का सबसे अहम जुमला है। क्या अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरी याद को अपनी जिंदगी में ना रखा, दुनिया में तो उसकी जिंदगी तंगी वाली होगी और कयामत के दिन उसको अंधा करके उठा होगा। अब ये किसी मौलवी की बात तो है नहीं कि हम कहें कि यार मौलवियों की तो आदत होती है, कहते रहते हैं, ये तो रब्बुल आलमीन का कलाम है, अल्लाह ताला की कही बात है कि नख्शुरुहु यौमल कियामति अअमा, कयामत के दिन मैं उस बदनसीब को अंधा करके उठाऊंगा जिसने जिंदगी गुजार दी और मुझे कभी याद ही नहीं किया कि मेरे रक्ता कुछ होकर नहीं दे रही। अब वो बंदा कयामत के दिन फिर रोएगा और कहेगा या रब्बी लिमा हशरतनी आमा वकद कुंतु बसीरा, कि ए मेरे अल्लाह मेरी आंखें तो अच्छी बली ठीक ठाक थी, ये तूने मुझे कयामत में अंधा क्यों कर दिया है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब क्या है, अल्लाह ताला फरमाएगा कज़ालिका अतत्का आयातुना फनसीताहा फकज़ालिकल यौम तुंसा, कि आज तुम्हें इस बात की बड़ी फिक्र है कि तुम अंधे क्यों हो, याद करो कि मेरी आयतें मेरे हुक्म तुम्हारे पास आए थे और तुमने उनको यूं छोड़ दिया था गोया तुमने कभी देखे ही नहीं, गोया तुम अंधे हो और नजर ही नहीं आए तुमको मेरे नबी की बताई हुई बातें। तो जिस तरह कया दुनिया की जिंदगी में तुमने मेरी नसीहतों को कभी बदल ही नहीं किया था, नोटिस ही नहीं किया था, आज तुमको यूं ही छोड़ दिया जाएगा बेसहारा और अल्लाह की रहमत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तो प्यारे दोस्तों, अकलमंद वही है जो इस दुनिया की जिंदगी को गनीमत समझे। आज मोहलत है मेरे पास भी, आपके पास भी, और मौत कोई घंटी बजाकर नहीं आती, यूं ही अचानक आ जाती। याबिद साहब से पूछ लें कि वालिद साहब की वफात कैसे हुई, ठीक ठाक थे, कोई ऐसा नहीं था कि जनाब आज उनका इंतकाल होगा, तबीयत संभली हुई और क्या हुआ, एक लम्हे पहले वो थे और अगले लम्हे वो नहीं। तो यही बारी एक दिन मेरी भी आनी है, एक दिन आपकी भी आनी है, सबकी आनी है। रसूलुल्लाह ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के कंधे को पकड़ के फरमाया ऐ मेरे बेटे अपने आप को मुर्दों में गिना करो, जिंदों में ना शुमार किया करो। फरमाया कुन फिद दुनिया कामना का गरीब और गादिर सबील, कि दुनिया में यूं रहो जैसे परदेसी मुसाफिर होता है, और परदेसी मुसाफिर दुनिया में दिल नहीं लगाता, उसकी नजर अपनी मंजिल पर होती है। और मुसलमानों की मंजिल क्या है, अल्लाह ताला को राजी करके अपने आप को दोजख से बचा लेना और जन्नत में दाखिल कर देना। तरीका क्या है, तरीका इसका एक ही है, रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।